Hello friends, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. I am also good. Today I will be sharing a unique healthy recipe. So friend, do you know what is the name of these leaves? Yes, you are right. ये क्या है? ये है beetroot की leaves. फ्रेंड आप सबके पास मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को प्लीज आप लोग वॉच कीजिए। देखिए आप लोग तो बहुत सारे यूट्यूब में ऐसे बेफालतू वीडियो देखते रहते हैं, लेकिन हेल्दी एंड जो हमारा तबीयत के लिए, हमारा हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, ऐसा रेसिपी भी हम लोगों को कभी कभी देखना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज का जो रेसिपी होगी ना, बहुत ही सिंपल सा रेसिपी, और ये रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने से पहले मैं बीट रूट की जो लीव्स है ना, उसके बेनिफिशियल यानी न्यूट्रिशन के बारे में आपको बताऊंगी, यानी न्यूट्रिशनल वैल्यू के बारे में आपको बताऊंगी। प्लीज फ्रेंड वीडियो को वॉच कीजिए, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। जब भी हम लोग मार्केट में चिकंदर यानी बीट रूट को खरीदने के लिए जाते हैं ना फ्रेंड, तो हम लोग क्या करते हैं कि बीट रूट की जो लीव्स है ना, उस मार्केट में छोड़ के बस सिर्फ ओनली फॉर बीट रूट को लेकर आती है। लेकिन आप भी जानकर ना हैरान हो जाओगे कि ये जो बीट रूट की लीव्स जो है ना, वो इतनी सारे न्यूट्रिशनल वैल्यू से ना भरपूर है। ये पहले मुझे भी पता नहीं था, लेकिन जैसे ही मुझे इसके बारे में मुझे जानकारी मिला ना, तब से मैं बीट रूट की ये जो लीव्स है ना, कभी भी फेंकती नहीं हूँ, इसकी मैं एक सिंपल सा रेसिपी बना लेती हूँ। तो फ्रेंड वो रेसिपी तो मैं आपके सबको मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले ये जो बीट रूट्स की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है ना, उसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहती हूँ। इसलिए क्योंकि मुझे पता है ये वीडियो देखने के बाद आप भी मेरी तरह मार्केट से जब चुकंदर खरीदने के लिए जाओगे, तो कभी भी उसकी लीव्स को फेंक कर नहीं आओगे, मेरी तरह ही वो घर पे लेकर आओगे और ऐसा ही रेसिपी आप लोग मेरी तरह ही बनाओगे। यू नो फ्रेंड, बोथ द लीव्स एंड द रूट ऑफ बीट रूट आर हाईली न्यूट्रिशन, यानी जैसे बीट रूट भी न्यूट्रिशन से भरपूर है, वैसे ही उसकी पत्ते भी न्यूट्रिशन से भरपूर है। ये जो लीव्स है ना, आर एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन सिक्स, विटामिन के, एंड एज वेल एज बींग रिच इन आयरन, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। द लीव्स आर वेरी लो इन कैलोरीज, मेकिंग देम एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट व्हाइल ऑन अ लो कैलोरी और लो फैट डाइट। यानी इसमें आपका विटामिन ए मिलेगा, विटामिन सिक्स, विटामिन सी, विटामिन के, एंड इसमें आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होते हैं। तो फ्रेंड क्या सोच रही है कि इसकी पत्ते अभी से नहीं फेंकने के बारे में ना? अरे रुकिए फ्रेंड, अभी भी तो मैं आपको इसके और भी न्यूट्रिशनल वैल्यू के बारे में बताना है। ये जो बीट लीव्स है ना, और फुल ऑफ नाइट्रेट्स विच लोअर ब्लड प्रेशर। नाइट्रेट्स आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्रूविंग ऑक्सीजन लेवल इन द बॉडी। यानी ये जो बीट रूट है ना, इसमें नाइट्रेट भी होते हैं जो ऑक्सीजन लेवल को ना हमारा बॉडी में इम्प्रूविंग करते हैं, और इसमें रिच इन आयरन होते हैं जो हम लोग खाते हैं ना स्पिनच, यानी जो पालक है, पालक के बराबर होते हैं इसके आयरन की वैल्यू, और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट्स जो होते हैं, जो है इसमें विटामिन ए रहते हैं, और आपको तो पता है जो विटामिन ए होते हैं हमारा गुड फॉर आवर आई साइट। विटामिन सी विच गिव्स अस इम्यून सिस्टम एज वेल एज ऑल्सो कीपिंग आवर स्किन ग्लोइंग एंड हेल्दी। और ये जो इसमें कैल्शियम भी होते हैं, लेकिन हाँ लो क्वांटिटी में। ये जो कैल्शियम है जो बोन्स को, हमारा हड्डियों को मजबूत बनाने में हेल्पिंग करते हैं, और इसमें विटामिन सिक्स भी होते हैं, और पहले ही मैंने आपको बताया था कि इसमें आयरन होते हैं विच इम्प्रूव्स आवर ब्लड हेल्थ, और फाइबर तो भरपूर मात्रा में होते हैं, तो जो फाइबर्स है वो हमें क्या करते हैं, हेल्प्स करते हैं आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। सो फ्रेंड अभी से इसका रेसिपी बनाना सिखा देती हूँ। ये एक बहुत ही हेल्दी लीव्स है, तो चलिए फ्रेंड इसको हम लोग हेल्दी तरीके से बनाना है। तो सबसे पहले कढ़ाई पे आपको थोड़ा सा ऑयल देना है, ज्यादा ऑयल बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस रेसिपी को हम लोग और भी हेल्दी तरीके से बनाएंगे। तो जैसे आपका ऑयल गर्म हो जाए, फिर उसमें क्या ऐड करोगे देख लीजिए, मैं बता देती हूँ। इसमें आपको ऐड करना है थोड़ा सा कलंजी
और ग्रीन चिली। ग्रीन चिली जो है वो ऑप्शनल है, आपको तीखा खाना पसंद है तो 4 दे दीजिए और तीखा खाना पसंद नहीं है तो 1-2 में काम चला लीजिए। इसमें और कुछ भी मसाला देने की जरूरत नहीं है। फिर इसके अंदर ही आपको क्या ऐड कर देना है, जो लिप्स को अपने छोटे छोटे टुकड़े में काट करके रखे हो। और आपको तो पता ही है जब लिप्स को यानी कोई भी साग हम लोग बनाते हैं ना, तो उसको कटने से पहले अच्छे से वॉश करना है एंड देन उसे कट करना है। तो मैंने भी वही किया है, ये तो आपको पता ही है, और क्या मैं बताऊंगी। एंड देन इसमें आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सॉल्ट भी ऐड करना है। फ्रेंड आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आप बीट रूट्स के लिप्स खाना चाहते हो तो आप एक बार प्लीज आपकी जो डॉक्टर है उस डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके खाना। लेकिन इसमें कोई आपका ऐसा नहीं है कि कोई मतलब प्रॉब्लम होगी, बट मैं यही रिकमेंड करूँगी आप एक बार जरूर आपकी डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर लेना, क्योंकि इसमें इतने सारे लॉट्स ऑफ मतलब न्यूट्रिशंस होते हैं जो आपको डॉक्टर भी मना नहीं करेंगे, वो भी बताएंगे कि आप इसको आराम से आपकी डाइट में वीक में 1-2 डेज आप ले सकते हो। और इसे ज़्यादा पकाना भी नहीं है, देख लीजिए ओनली फॉर 2 मिनट में एक इतने अच्छे से सॉफ्ट हो गए। बस अभी और 1 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम में आपको सॉटे करना है। अब सच बताइए फ्रेंड, ये एक बहुत ही सिंपल सा एक रेसिपी है ना, ऐसा रेसिपी हम लोग हमारा डाइट में वीक में 2-3 दिन ले सकती हूँ, कम ऑयल में कम मसाला में। इसमें तो मैंने कुछ मसाला डाला ही नहीं, फिर भी ये यम्मी लगते हैं। अब विश्वास नहीं हो रहा तो एक बार मेरी कहने से बना के तो देखो यार, बहुत ही यम्मी एंड टेस्टी होते हैं। आई होप आज का ये जो रेसिपी है आपको अच्छा भी लगे और इन्फॉर्मेटिव भी लगे। इन्फॉर्मेटिव लगे तो अभी के अभी एक लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं और एक नया रेसिपी के साथ। बाय बाय।